स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th का साइंस का चैप्टर 1, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इस चैप्टर में हम डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और कितने स्टेप्स में होता है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? जब सेम काइंड के प्लांट्स एक पर्टिकुलर स्पेस पे या पर्टिकुलर फील्ड पे लार्ज स्केल पे हम ग्रो कराते हैं तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ वीट मींस ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर मीन दैट ऑफ वीट। अगर हम बोलते हैं क्रॉप ऑफ वीट, मतलब उस फील्ड में जितने भी प्लांट्स ग्रो कराएं सारे वीट के ही होंगे। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स। हम सबको पता है क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सीरियल्स के होते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ सीजन। इनको वो किस सीज़न में ग्रो करते हैं इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इंडिया में, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, ये एक स्टेट में या एक रीजन से दूसरे रीजन में हर स्टेट का, हर प्लेस का अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स। इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वेराइटी के क्रॉप्स ग्रो करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स के बारे में। सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में हम ग्रो करते हैं उनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। रेनी सीजन का टाइम होता है जून से सेप्टेम्बर के बीच में। एग्जाम्पल हैं सोयाबीन, पैडी मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे खरीफ क्रॉप हैं। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे क्रॉप्स जिनको हम ग्रो करते हैं विंटर सीजन में, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच में। इनके एग्जांपल हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे प्रैक्टिसेस दिए हुए हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या हम स्टेप्स होते हैं? पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, फिर सेकेंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरीगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स हार्वेस्टिंग एंड लास्ट इज स्टोरेज। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप से प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट। सबसे पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन करना सॉयल का, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। जो सॉयल के पार्टिकल है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनको थोड़ा सा लूज करते हैं। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन टू द सॉयल। हम लूजनिंग क्यों करते हैं? जिससे जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो सॉयल में बहुत डीप तक जा सके। द लूज सॉयल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली इवन वेन दे गो डीप इन टू द सॉयल। जो अगर सॉयल हमारी लूज होती है तो वो रूट्स को अलाउ करती है। अगर बहुत अंदर तक रूट्स हैं तो वो अलाउ करती है उन रूट्स को ब्रीथनिंग में हेल्प करने में। द लूजन सॉयल हेल्प्स इन द ग्रोइंग ऑफ अर्थफॉर्म एंड माइक्रोब्स। लूज सॉयल हेल्प करती है अर्थफॉर्म और माइक्रोब्स की ग्रोथ में भी, क्योंकि अर्थफॉर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड, हम उनको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं, क्योंकि वो सॉयल में मैन्योर, फर्टिलाइजर्स और ह्यूमस की कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। सिंस ओनली द फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉयल सपोर्ट्स द प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल टू द टॉप ऑफ द प्लांट। सॉयल की ऊपर की लेयर को ही हम यूज़ करते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। जो हम लोग सॉयल में टर्निंग करते हैं और लूजनिंग करते हैं वो हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स जो भी सॉयल में प्रेजेंट है उनको अपर लेयर में आने में। दीज न्यूट्रिएंट टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वजह से ये लूजनिंग ऑफ सॉयल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एज टिलिंग और प्लगिंग। सॉयल की लूजनिंग की प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लगिंग बोलते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। ये प्लग की हेल्प से होता है। यहाँ डायग्राम में प्लग दिखाया गया। इस तरह से सॉयल्स को हम प्लग करते हैं या इसको टिलिंग भी बोलते हैं। प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। प्लग्स जो होते हैं ये लकड़ी के या आयरन के बने हुए होते हैं। इफ़ द सॉयल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। अगर सॉयल बहुत ही ड्राई है तो सबसे पहले उसको हम वाटर देते हैं प्लगिंग करने से पहले। द प्लग फील्ड मे हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉयल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लग करने के बाद जो प्लगिंग फील्ड होता है उसमें सॉयल्स के बिग क्लम्स, मतलब बहुत जो सॉयल एक जगह इकट्ठी हो जाती है उनको क्लम्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्रम्स बोलते हैं। क्रम्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। सो प्लगिंग के टाइम हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो भी क्रम्स फॉर्म है, मतलब सॉयल किसी जगह इकट्ठी हो गई है बहुत हाई अमाउंट में, तो उसको ब्रेक करना है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग ऑफ सॉयल इज डन फॉर विद द हेल्प ऑफ लेवलर।
लेवर की या लेवलर की हेल्प से हम सॉइल की लेवलिंग करते हैं, जो भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि टिलिंग या प्लगिंग के पहले सॉइल में मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। इसकी इससे क्या होता है, अगर हम पहले से मैन्योर ऐड कर दिया है उसके बाद प्लगिंग कर रहे हैं, तो जो भी मैन्योर हमने ऐड किया है वो सॉइल में प्रॉपर मिक्स हो जाता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। पहला है प्लग। दिस इज़ बींग यूज सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉयल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉयल। प्लग हम पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं। इसका क्या फंक्शन है? टिलिंग द सॉयल, सॉयल की लूजनिंग में हेल्प करता है। जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं जैसे वीड्स हैं, इन सबको रिमूव करने में हेल्प करता है। मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करता है सॉयल में। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाई अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये लकड़ी का बना होता है और इसको खींचा जाता है, बुल्स या कोई और एनिमल हम यूज़ कर सकते हैं। इट कंटेन्स अ स्टोर स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेप। इसमें एक ट्रैंगुलर आयरन ट्रैंगुलर शेप का होता है जिसको हम प्लग शेप बोलते हैं। प्लग शेयर, द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज़ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट। ये हमारा प्लग शेयर होता है ट्रायंगुलर शेप का, और ये लॉन्ग पार्ट जो होता है वुड का, इसको हम प्लग शाफ्ट बोलते हैं। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ अ प्लग शाफ्ट। प्लग शाफ्ट के एक एंड पे हैंडल प्रेजेंट होता है। देयर द अदर एंड इज अटैच टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स ऑन द नेक। ये हैंडल जो होता है ये बुल यहाँ पे रखा होता है, ये जो वुड बुल्स के नेक पे होती है इस पे ये हैंडल रखते हैं, इससे अटैच करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे ये टिलिंग और लूजनिंग में सॉइल को टिलिंग और लूज करते रहते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस बाय आयरन। अब हम वुड प्लग की जगह आयरन के प्लग्स को भी यूज़ करते हैं। सेकेंड है हो। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द लूजनिंग द सॉइल। हो एक सिंपल सा टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं वीड्स के रिमूवल के लिए। इट हैज़ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग रॉड होती है लकड़ी की या आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स एट वन ऑफ इट्स एंड। अ स्ट्रॉन्ग मजबूत बेंट प्लेट होती है आयरन की जो इसके एक एंड पे फिक्स होती है। एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स। ये ब्लेड की तरह हेल्प करता है। यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये रॉड है आयरन की, ये बेंट प्लेट है, प्लेट यहाँ पे बनी हुई है, ये हैंडल है और इस पे इट इज़ ये एनिमल्स के थ्रू ये पुल करता है ये भी, और हेल्प करता है वीड्स के रिमूवल में। कल्टीवेटर, नाउ डेज प्लगिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर यहाँ पे दिखाया गया ऐसे होता है जिसको हम ट्रैक्टर की हेल्प से सॉइल में यूज़ करते हैं। सेकेंड स्टेज है सोइंग। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। सोइंग एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। सोइंग करने से पहले हम चेक करते हैं कि जो भी हमारी सीड है वो गुड क्वालिटी है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं, हेल्दी। फार्मर्स आर यूज सीड्स विच गिव हाई ईल्ड। फार्मर्स अक्सर ऐसे सीड्स यूज़ करते हैं जो हाई ईल्ड हमें देता है, मतलब जिनसे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। सेलेक्शन ऑफ सीड्स, दिस इज़ आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर विदाउट दोज बी लाइट, वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक। वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दे आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। जब भी सीड्स हम लेते हैं उसको हम पहले चेक करते हैं पानी में डाल के, अगर सीड्स लाइटर हैं तो वो ऊपर फ्लोट करती हैं और हेवियर है तो वो नीचे बैठ जाती हैं, सिंक कर जाती हैं। अगर सीड्स लाइटर हैं ऊपर फ्लोट करें इसका मतलब वो हेल्दी सीड्स नहीं हैं, क्योंकि अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो वो अंदर से हॉलो हो जाएंगी, और कोई भी चीज़ अंदर से हॉलो या खाली होती है तो वो हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से सीड्स पानी में तैरने लगती है। ये एक मेथड है जिससे पता चलता है कि सीड्स डैमेज है या हेल्दी है। अदर ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज़ ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज़ शेपिंग लाइक अ फनल। जो टूल हम यूज़ करते थे सीड्स को सॉइल में मिक्स करने के लिए वो एक फनल शेप का होता है, पुराने टाइम में जो हम यूज़ करते थे। द सीड्स आर फिल्ड इन टू द फनल पास डाउन थ्रू टू और थ्रू पाइप्स हैविंग शार्प एंड। सीड्स को हम उस टनल में फिक्स करते थे। दिस इन पीसेस इन टू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। इसमें हम टनल में हम सीड्स को फिल करते थे, उसके बाद उसको हम सॉइल में टनल की हेल्प से प्लेस करते थे। यहाँ पे दिखाया गया है ट्रेडिशनल मेथड सीड सोइंग का। यहाँ पे देखिए ये फनल एक रखा है, फनल में सीड्स डालते जा रहे हैं और यहाँ से जैसे जैसे आगे मूव होता जाएगा सीड्स सॉइल में मिक्स होती जाती है। दूसरा मेथड है सीड ड्रिल।
नाउ डेज द सेकेंड द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अब ये वाला मेथड पुराने टाइम में यूज़ होता था, अब क्या होता है ज़्यादातर ये वाला मेथड यूज़ होता है जिसका नाम है सीड ड्रिल। ये ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम सोइंग करते हैं। इससे दिस सोस द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। ये सीड्स को यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल डिस्टेंस में प्रॉपर तरीके से सॉइल में सो करता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाई द सॉइल आफ्टर सोइंग। इससे ये भी इंश्योर होता है या फिक्स होता है कि सीड्स जो हमने सॉइल में डाली है वो सॉइल में जाने के बाद प्रॉपरली सॉइल से कवर हो जाती है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बींग ईटन बाई बर्ड्स। इससे ये अगर सीड्स सॉइल में प्रॉपरली कवर है तो ये प्रोटेक्ट करता है सीड्स को, जिससे कि सीड्स को बर्ड या कोई और एनिमल नहीं खा पाए। ये अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी। सीड्स के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस नेसेसरी होता है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट। सीड्स के बीच में प्रॉपर डिफरेंस होगा तो फिर सफिशियंट सनलाइट मिलेगी उन्हें, न्यूट्रिएंट मिलेगा, वाटर मिलेगा सॉइल से, और सीड ड्रिल मेथड से हम उनको सफिशियंट डिस्टेंस पर प्लेस करते हैं। सो नाउडेज सीड ड्रिल मेथड इज द बेस्ट मेथड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल में हम ऐड करते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, उनको हम बोलते हैं मैन्योर या फर्टिलाइजर्स। सॉइल सप्लाई मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स देता है क्रॉप प्लांट्स को। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर द सेम फील्ड। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। इमेजिन वॉट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इसेंशियल होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए। कुछ एरियाज़ में फार्मर्स होते हैं उसी एक पर्टिकुलर फील्ड है उसमें उन्होंने सीड अपना ग्रो कराया, प्लांट ग्रो कराया, कुछ टाइम बाद वो फिर से उसी फील्ड में प्लांट ग्रो कराते हैं। इससे क्या होता है, कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉयल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। लगातार एक बार एक ही सॉयल में बार बार कल्टिवेशन करने से सॉयल का न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होता जाता है। देयरफॉर इसी वजह से फार्मर्स को बार बार सॉयल में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर ऐड करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग, अगर मैन्योरिंग सही से नहीं होती है, प्रॉपरली हमने उसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर नहीं मिक्स करते हैं सॉयल में, तो प्लांट की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती और प्लांट वीक होते हैं। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमें मिलता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है उनके डिकम्पोजिशन से हमें मैन्योर मिलता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स इन एन ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर्स जो भी प्लांट्स और एनिमल वेस्ट होते हैं उनको एक पर्टिकुलर पिट्स मीन्स गड्ढे में डंप करते हैं और वो डिकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो प्लांट और एनिमल वेस्ट डिकम्पोज होता है। वो जो डिकम्पोज होने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर। वो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। बट फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस है, मैन्योर हमारा ऑर्गेनिक होता है मीन्स प्लांट और एनिमल के वेस्ट से हमें मिलता है, जबकि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये केमिकल होते हैं। फर्टिलाइजर्स केमिकल होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, ये मैन्योर से अलग होते हैं। सम एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर्स के, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके मींस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प फर्टिलाइजर्स की हेल्प से फार्मर को बेटर यील्ड मिलती है क्रॉप की, उन्हें अच्छा प्रोडक्शन मिलता है क्रॉप का। बट एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर हम एक्सेस यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स का, तो सॉयल कम फर्टाइल हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स एक वाटर पॉल्यूशन का सोर्स भी है, इसीलिए सॉयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वी हैव सब्स्टिट्यूट, हमें फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करना चाहिए। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉयल विथ न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। एक दूसरा मेथड है सॉयल में न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए क्रॉप रोटेशन। इसमें क्या होता है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। इसमें क्या होता है, क्रॉप्स को अल्टरनेटली मतलब एक फील्ड में हमने एक क्रॉप ग्रो करी है तो उसी फील्ड में हम नेक्स्ट टाइम से दूसरी क्रॉप ग्रो करेंगे, सेम क्रॉप नहीं ग्रो करते। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। पहले क्या होता था, फार्मर्स क्या करते थे, एक सीज़न में अगर उन्होंने फॉडर ग्रो कराया तो नेक्स्ट सीजन में वो उसी फील्ड में वीट ग्रो करते, सेम प्लांट वो नेक्स्ट सीजन में रिपीट नहीं करते। इससे क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जो भी होता है वो मेंटेन होता है।
इसके पहले हमने राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा था। राइजोबियम क्या था? सॉइल में नाइट्रोजन के अमाउंट को वो मेंटेन करता था। कैसे? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेता था और सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट, जो नाइट्रोजन सॉइल को चाहिए रहता है, वो उस नाइट्रोजन में उनको कन्वर्ट करके सॉइल को देता था। मतलब वो नाइट्रोजन सॉइल से लेता था, उसको कन्वर्ट करके जो नाइट्रोजन प्लांट्स को रिक्वायर होता है वो उन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉइल में प्रोवाइड कराता था। मैन्योर के एडवांटेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है, सॉइल को पोरस करता है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजिली होते हैं। इनमें फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं जो मैन्योर बनाने में हेल्प करते हैं, उनका नंबर इंक्रीज़ करता है और सॉइल का टेक्स्चर इंप्रूव करता है। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस दिया हुआ है। फर्टिलाइजर्स मैन मेड होते हैं, मैन्योर नेचुरल होते हैं। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं, मैन्योर प्रिपेयर होते हैं फील्ड में बाई देयर ओन। फर्टिलाइजर सॉइल को कोई भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं, मैन्योर जो होते हैं वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट इफिशियंसी इंक्रीज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये वेरी रिच होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस इन सब अमाउंट में। मैन्योर इन सब अमाउंट में लेस, मैन्योर में ये सारी चीज़ें कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है इरीगेशन। इरीगेशन में क्या होता है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। वाटर की सप्लाई प्रॉपर पर्टिकुलर इंटरवल पे देना प्लांट्स को, इसको हम बोलते हैं इरीगेशन। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। इरीगेशन का क्या पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, कितने डिफरेंस पे हमें देना चाहिए, ये हर क्रॉप के लिए अलग अलग होता है। सॉइल जितने डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल और सीजन का ये अलग अलग होता है सब। इरीगेशन के सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस हैं हमारे वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स, इन सारे जगहों से हम प्लांट्स को वाटर सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड हम पढ़ेंगे क्या क्या थे। द वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट, जो भी वाटर अवेलेबल थे वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, उसको हम लिफ्ट करते थे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मैथड, इसमें हम एनिमल्स का यूज़ करते थे या फिर ह्यूमन लेबर का यूज़ करते थे। दो मैथड है ट्रेडिशनल, पुराने टाइम में जो हम यूज़ करते थे, दो मैथड है। पहला है मोट, दैट इज़ पुली सिस्टम, एंड सेकेंड इज़ चेन जम्प। थर्ड इज़ देखली एंड फोर्थ इज़ राहत, मीन्स लेबर सिस्टम। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग द वाटर, इसमें पम्प्स को यूज़ करते थे। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है मोट का क्या है, ऐसे पानी वेल से निकाल के उसके बाद वो क्रॉप्स में देते थे। सेकंड चेन पंप, चेन पंप इस तरह से पंप लगे होते थे जिससे सॉइल में वाटर जाता था। थर्ड इज़ डेकली, डेकली मीन्स वाटर इस तरह से निकाल के हर पार्ट्स में डिवाइड करके उन सब पार्ट्स में वाटर देना। एंड लास्ट वन इज़ राहत, इसमें क्या था, एनिमल्स की हेल्प से यह सर्कुलेट होता था और वाटर ट्रांसफ़र होता था। मॉडर्न मेथड, अब आज के टाइम में मॉडर्न मेथड में हम क्या क्या यूज़ करते हैं। पहला है स्प्रिंकल सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ पे होता है जहाँ पे लैंड मतलब बराबर नहीं होते, अनइवन होते हैं और वहाँ पे सफिशेंट वाटर नहीं पहुँच पाता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप, यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह से परपेंडिकुलर पाइप होती है, परपेंडिकुलर पाइप होती है जहाँ पे ये रोटेटिंग नोजल होता है इनके टॉप पे। दे आर जॉइंड टू द मेन पाइप लाइन एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप। जब मेन पाइप से वाटर फ्लो होता है तो उससे ज्वाइन हो जाती है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग, ये क्रॉप्स के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल होता है, ये ऐसे ऐसे आपने देखा होगा सॉइल में लगे रहते हैं और यहाँ से पानी निकलता है, ये स्प्रिंकल होता है ऐसे जैसे रेन होती है ऐसा लगता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, ये लॉन्स बड़े बड़े लॉन्स जो होते हैं वहाँ के लिए, कॉफ़ी प्लांट्स के लिए, इन सब के लिए ये यूज़फुल होते हैं। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाई ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। ड्रिप सिस्टम इस टाइप में होता है, इनमें क्या होता है, स्प्रिंकल में क्या था, ये ऐसे पाइप्स गई रहती हैं, ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं ऐसे उठे हुए होते हैं और इनके टॉप से यहाँ से वाटर ऐसे रेनिंग की तरह ड्रॉप बाई ड्रॉप सॉइल पे जाता रहता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारा क्रॉप है उससे उसके पास डायरेक्टली वाटर जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं क्योंकि रूट तक डायरेक्टली ये वाटर देता है। इट इज़ बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं, गार्डन प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनके लिए बेस्ट सिस्टम होता है वाटरिंग करने का क्योंकि ये डायरेक्ट रूट तक वाटर देता है।
इट इज़ अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, जिन रीजन में वाटर्स की अवेलेबिलिटी पुअर होती है वहाँ पर ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब हमारा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने प्लांट्स को। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं द अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं जो नेचुरली हमारे क्रॉप प्लांट के साथ ग्रो कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग, वीड्स के रिमूवल को हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस होती है, क्यों? क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो प्लांट्स को हार्म करते हैं, दस ये क्रॉप ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं, और कभी कई बार ये एनिमल्स के लिए पॉइजनस भी होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर्स के अब बहुत सारे वेज हैं वीड्स को रिमूव करने का। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर और सीड्स, सबसे अच्छा टाइम कब होता है वीड्स को हटाने के लिए? जो हमने क्रॉप लगाई है जब उसमें फ्लावर्स और सीड्स आने लगें, उससे पहले ही हमें वीडिंग प्रोसेस कर लेनी चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाई अप रूटिंग द कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअल रिमूवल मतलब हाथ से कैसे रिमूव करते हैं? बाई अप रूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड में जो हमें साफ दिखते रहते हैं उनको हम हाथ से निकाल लेते हैं या कट कर देते हैं टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, एक इक्विपमेंट आता है खुरपी, हम लोग को पता ही होगा, उसकी हेल्प से हम ये करते हैं। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, सीड ड्रिल मैथड भी हम यूज़ कर सकते हैं वीड्स के रिमूवल के लिए। वीड्स को हम ऑल भी कंट्रोल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स केमिकल होते हैं दैट लाइक 2,4-D, ये एग्जांपल है वीडिसाइड्स का। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स, इसको हम वीड्स में स्प्रे करते हैं इस तरह से, इसको हम फील्ड्स में स्प्रे करते हैं जो वीड्स का रिमूवल करता है, उन्हें किल करता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप जब मैच्योर हो जाते हैं उनके फ्रूट्स या सीड्स डेवलप हो जाते हैं, फिर उन्हें कट करना हार्वेस्टिंग होता है, उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग में क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट इज़ यूजली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर सीरियल क्रॉप से अगर तो उसको मैच्योर होने में 3 to 4 months लगते हैं, उसके बाद हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इंडिया में हार्वेस्टिंग सिकल की हेल्प से होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है सिकल, और मशीन की हेल्प से यूज़ होता है, मशीन को हम हार्वेस्टर बोलते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद सीड्स से हम जो भी प्लांट है क्रॉप से उससे हम ग्रेन्स को सेपरेट करना होता है। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम द हार्वेस्टेड प्लांट्स इज नोन एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मशीन्स की हेल्प से होता है, मशीन को हम क्या बोलते हैं? कंबाइन। ये मशीन यहाँ पे दिखाई गई कंबाइन, उसको हम थ्रेशर भी बोल सकते हैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाई विनोइंग, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6। फार्मर्स जो स्मॉल लैंड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता जिनके पास, वो विनोइंग की हेल्प से सेपरेट करते हैं। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग में ये होता है कि ग्रेन जो होता है लाइट वेट ग्रेन जो होते हैं एयर पास कराते हैं, एयर के सामने से हम उस ग्रेन्स को या क्रॉप्स को पास करते हैं। सीड्स जो होते हैं जो भी उनमें अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है वो एयर से ब्लो अवे हो जाते हैं, बाकी जो ग्रेन्स होता है वो हमें प्योरीफाइड फॉर्म में मिल जाते हैं। स्टोरेज, अब स्टोरेज की बात करेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। If the harvested grains are to be kept for longer time, अब जो हमने ग्रेन हार्वेस्ट कराया है अगर उसे हमें लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना पड़ता है, सो उन्हें हमें मॉइस्चर से बचाना पड़ता है, इंसेक्ट से बचाना पड़ता है जैसे रैट्स हो गए और वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव्स मोर मॉइस्चर, क्योंकि हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स और ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे गेट मेट बी स्पॉइल्ड, अगर हमने जो सीड्स हार्वेस्ट करे हैं उनसे मॉइस्चर बिना हटाए अगर हमने स्टोर कर दिया तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, इसीलिए स्टोर करने से पहले उन्हें प्रॉपरली सन में ड्राई करना पड़ता है जिससे उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। दिस मॉइस्चर ड्राई करना हेल्प करता है उनको प्रिवेंट करने में फ्रॉम इंसेक्ट्स पेस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई, इन सबसे प्रिवेंट करता है उन्हें। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स, यहाँ पे दिखाया गया इस तरह से जूट के बैग में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं या मेटलिक बिन्स में इस तरह से।
लास्ट मतलब हाउ वेर लास्ट स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमें अगर ग्रेन स्टोर करना होता है तो उसको इस तरह से हम साइलोज में स्टोर करते हैं। ये बहुत मेटलिक कैंस होते हैं जिनमें हम सीड्स को या ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर पे अगर हम मतलब स्टोर कर रहे हैं ग्रेन्स को तो उनमें हम सूखी हुई नीम की पत्तियाँ डालते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स बिग गो डाउन स्पेसिफिक केमिकल। अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर रहे हैं गोडाउन में बहुत हाई अमाउंट में तो हम कुछ केमिकल्स स्प्रे करते हैं उनके ऊपर जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब एनिमल से फूड क्या मिलता है, यहाँ पे देखिए एक टेबल बनी हुई है मिल्क। यहाँ पे सोर्सेज लिखे हुए हैं मिल्क हमें कौन कौन से एनिमल से मिलता है। यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हमें पता है प्लांट्स और एनिमल्स से हमें डिफरेंट काइंड्स के फूड मिलते हैं। मेनी पीपल्स लिविंग इन कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश। जो पीपल्स कोस्टल एरिया में रहते हैं वो मोस्टली फिश कंज्यूम करते होंगे, उनकी डाइट वही होती है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप। हमने अभी इस चैप्टर में देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, उनका सोइंग, उनकी हार्वेस्टिंग, उनका स्टोरेज। सिमिलरली इसी तरह जैसे हम प्लांट्स का इतना सारा स्टेप करते हैं उनसे फूड तब हमें मिलता है, उसी तरह एनिमल्स में भी उनको हम होम पे रियरिंग करते हैं, प्रॉपर फूड एंड शेल्टर देते हैं, प्रॉपर उन्हें एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जिस पे वो अपना ग्रो कर सके। जब हम एनिमल हस्बेंड्री हम उसे कहते हैं व्हेन एनिमल्स आर रियर्ड एट होम बाय गिविंग देम पर्टिकुलर प्रॉपर फूड एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस विच दे आर रिक्वायर्ड, सो इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। सो ये था क्लास 8th का चैप्टर 1st क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।